तो कौन होती है मुझे ऑर्डर देने वाली? आइंदा से अगर मुझे किसी भी तरीके का काम करवाया ना तो दिन में तारे दिखा दूंगी। सारा गणेश की जड़ ये बुढ़िया ही। पिंकी, पिंकी बेटा मेरे लिए एक ग्लास पानी लेके आ, मुझे दवाई खाना है। खुद उठ के नहीं ले सकती है? सारा दिन बैठ के बस हुकुम चलाना है। और मैंने इस घर में शादी तेरे गुलामी करने के लिए नहीं की थी। बेटा घिस नहीं जाओगी अगर तुम एक ग्लास पानी ला दोगी तो? मेरे माँ बाप ने आज तक मुझे कोई काम नहीं करवाया, तो कौन होती है मुझे ऑर्डर देने वाली? आइंदा से अगर मुझे किसी भी तरीके का काम करवाया ना तो दिन में तारे दिखा दूंगी। ये क्या तरीका है अपने बड़ों से बात करने का? यही सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने? मैं ऐसे ही बात करूंगी। और मेरे माँ बाप तक जाने की जरूरत नहीं है, मैं तेरी नौकरानी नहीं हूँ। किसी ने सही कहा है, कीचड़ में पत्थर मारोगे तो छींटे खुद पर ही गिरेंगे। इसके थोड़े मजे लेती हूं। खुद कुछ काम करती हो ना मुझे काम करने दे रही हो। तो करो ना तुम काम, मैंने तुम्हारे हाथ पकड़ रखे हैं क्या? मेरे यहाँ सफाई करने के बाद तुम 3 बार यहाँ कचरा फैला चुकी हो। थोड़ा सा काम कर लेगी तो पतली नहीं हो जाएगी? बस मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ गई है। मैं तुम्हारा नहीं खाती हूँ, मेरा बेटा कमाता है। रहती तो तुम मेरे घर में ही है, बस काम ना करने की मौका चाहिए। आ गया मेरा बच्चा। क्या हुआ, आज तू बड़ा थका हुआ लग रहा है। हाँ माँ, आजकल काम ज्यादा हो जा रहा है। पिंकी एक ग्लास पानी दो ना। माँ तुम कहाँ जा रही हो? पिंकी पानी भी दे देगी और चाय भी बना देगी। सुना नहीं तुमने? माँ जा तो रही थी पानी लाने, सारा दिन बस मुझे काम कराते रहते हो, बस इनकी खातिरदारी में लगे रहो। पिंकी अपने जुबान को लगाम दो, तुमसे यहाँ कौन काम करवाता है? बस एक माँ को इज्जत करने के लिए कहा था मैंने तुमसे, तुमसे वो भी नहीं होती। बेटा क्यों बात बढ़ा रहा है, रहने देना। मैं गरीब बाप की बेटी नहीं जो तुम लोग मुझे डरा धमका कर रखोगे। ऐसे ऐसे धाराएं लगाऊंगी, सारी उम्र जेल में सड़ोगे। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो तुम सर पर चढ़ रही हो। मैं अमीर बाप की बेटी हूँ, ऐसे ही चढ़ूंगी सर। किसके दम पर इतना उछल रही हो? उसी बाप के घर छोड़ के आऊंगा तुझे। ये फ्लैट भी मेरे बाप ने ही दिया है। इस गलत फहमी में मत रहो, ये फ्लैट मैंने अपने दम पर खरीदा है, समझी? चाहे तो अपने बाप से पूछ लेना। तुम्हारा ही घमंड मैं तोड़ कर रहूंगा। बहू मत बोल अभी, अभी ये गुस्से में, तू चुप हो जा। सारा कलेश की जड़ ये बुढ़िया ही है। जो मेरी बाबा की इज्जत नहीं कर सकता उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, समझी? अरे तुमसे ज्यादा तमीज तो सड़क पर बैठे भिखारियों को होगी। दफा हो जाए अपने बाप के घर और अपनी अकड़ भी वही दिखाना। बेटा बहू ऐसे बाहर जाएगी तो लोग 10 बातें बनाएंगे। माँ तू टेंशन मत ले, गज भर की जुबान है इसकी, खुद जवाब दे देगी, जैसे यहां चपड़ चपड़ करती है। देख क्या रही है? चल निकल, सामान में बाद में पहुंचा दूंगा तेरा। चलना निकलना, चल जा। बैठो माँ।